नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पामिस्ट्री के माउंट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पामिस्ट्री और उसमें जो रेखाएं होती है, लाइंस होती हैं, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माउंट्स के ऊपर। सो माउंट्स बेसिकली है क्या? ये पर्वत है जो कि उंगलियों के नीचे पाया जाता है, और ये पर्वत अगर अच्छे कंडीशंस में हो, अच्छे स्टेटस पे हो, तो ये आपके लाइफ को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और अगर ये पर्वत अच्छे कंडीशन में नहीं हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कभी कभी निगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। तो किसी भी एनालिसिस को करने के लिए पामिस्ट जो हैं, एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वो माउंट को देखते हैं। और ये माउंट जो है आपका बहुत नियर टाइम के बारे में भी बताता है, क्योंकि ये उठता बढ़ता रहता है, मतलब इस पॉजिटिव निगेटिव ये चलता रहता है इसका, तो ये एनालिसिस होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माउंट के ऊपर, तो देखते हैं। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्वत, माउंट जिसको कहते हैं, और उंगलियों के बारे में। जी, तो आप बताइए कि क्या क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि इसको लेकर के एक व्यक्ति अगर अपना देखना चाहे तो क्या क्या चीज जान सकता है। हमारे हाथ में पहले तो जो उंगलियां हैं, ये एक किसी ना किसी हर एक ग्रह का को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस ग्रह के नीचे उस उन उंगलियों से के द्वारा जो एनर्जी है जो चैनलाइज होकर उन माउंट्स पर आती है। तो हर एक उंगली का, हर एक फिंगर का एक माउंट होता है उसके नीचे। तो मैं ये अपने हाथ में ही बताना चाहूँगा जी। तो ये एनर्जी उससे, उस ग्रह से रिलेटेड एनर्जी लेकर के, और ये उसको चैनलाइज करती हैं, और उसके अनुसार हमारा जीवन, उस एनर्जी को लेकर के हमारा जीवन आगे चलता है जी। तो पहले मैं उंगलियों के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद में हमारे हाथ में जो नौ ग्रह होते हैं उन नौ ग्रहों के बारे में बताऊंगा। वो ग्रह पर्वत, उनको पर्वत, ग्रह पर्वत बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो उंगली होती है, मैं अपने हाथ में ही बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये जो हमारी पहली जो उंगली होती है, ये गुरु उंगली होती है, जुपिटर फिंगर, और दूसरी उंगली जो है हमारी शनि उंगली, और तीसरी उंगली है हमारी सूर्य की उंगली होती है, और ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है ये बुध की उंगली होती है, और जो हमारा थंब है, जो अंगूठा है, वो शुक्र ग्रह का रिप्रेजेंट करता है जी। और इस तरह से जो हमारा, अब ये उंगलियां हो गई, इसके बाद में जो पर्वत है, जो हमारी पहली उंगली है उसके नीचे का जो ये भाग है, ये इतने, इस भाग को, ये भाग हमारा बृहस्पति पर्वत कहलाता है जी। या गुरु पर्वत होता है। और इसके बाद में ये शनि उंगली है, उसके नीचे का ये भाग जो होता है ये शनि पर्वत कहलाता है, सन सैटर्न माउंट बोलते हैं, माउंट इसको बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो सूर्य उंगली है उसके नीचे का जो ये भाग होता है ये सूर्य पर्वत, सन माउंट बोलते हैं इसको। और इसके बाद में जो चौथी उंगली है हमारी, सबसे छोटी उंगली है, इसको, इसके नीचे ये बुध की उंगली है, इसके मरकरी फिंगर, इसके नीचे जो ये है मरकरी माउंट होता है जी। और ये जो हमारा अंगूठा है शुक्र ग्रह का, तो ये शुक्र पर्वत होता है, इसके नीचे जो ये भाग शुक्र पर्वत होता है जी। और जो हमारा ये स्थान होता है ये चंद्र स्थान होता है, ये भाग जो होता है चंद्र स्थान। और इसके बाद में अगर इसको हम इस तरह से ये लाइन खींचे, यहाँ से मैं इसको पूरा रिप्रेजेंट करूंगा, जब मैं पिक्चर के बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल दूंगा। तो यहाँ से अगर ये भाग लें तो ये हमारे इतने ये पर्वत हैं, हर एक भाग जो कंसर्न पर माउंट्स हैं वो होते हैं। और इसको इस तरह से अगर करें तो ये जो एरिया है, तो ये पहला मंगल वन है, मार्स एरिया, मार्स वन एरिया, और ये इधर का जो भाग है ये मार्स टू एरिया, जो गुरु के नीचे का भाग है यहाँ से ये मार्स टू एरिया है, और ये बीच का जो स्थान होता है इसको मंगल थ्री या इसको राहु क्षेत्र कहते हैं। अच्छा। और जो यहाँ ये राहु क्षेत्र है, और इसके बाद में नौ ग्रह होते हैं, तो उसका हमारा एक ग्रह बचा केतु। तो ये स्थान जो होता है, ये स्थान, तो मैं इसको फिगर में अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये स्थान जो होता है हमारा, ये कंकड़ रेखाओं से मिला हुआ आगे का स्थान, ये जो सेंटर भाग है, ये केतु क्षेत्र होता है।
जी चलिए जस्ट समराइज करने के लिए कि कौन से पर्वत कैसे हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो उंगली है ये वाली, इसको गुरु फिंगर की कहते हैं, जुपिटर की कहते हैं। ये वाली जो है सैटर्न की है, मतलब शनि की उंगली है। ये वाली जो है ये सूर्य की उंगली है, और इसको बुध की उंगली कहा जाता है। कुछ लोग इसे सूर्य की उंगली कहते हैं, अंगूठा है ये। तो इसके नीचे का जो ये वाला क्षेत्र है ये जुपिटर कहलाता है, ये जो इसके नीचे का है ये सैटर्न है, ये वाला जो पर्वत है ये सन है, और ये वाला जो पर्वत है ये वाला मरकरी है। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये मंगल है, मार्स वन, और इधर जो है यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट आपका हो जाता है मार्स टू। बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको मंगल का ही क्षेत्र कहा जाता है, एरिया कहा जाता है, प्लेन ऑफ मार्स, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड राहु, तो ये राहु भी कहलाता है। और यहाँ से जो ये पार्ट बचता है, ये इधर जो उठा हुआ क्षेत्र रहता है इस जगह पे, ये वाला मून, चंद्रमा का क्षेत्र कहलाता है। ये अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ भाग रहता है ऐसे करके, इसको हम लोग वेनस का एरिया कहते हैं, वेनस माउंट कहते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, सन, इधर मार्स वन, मार्स टू, राहु, वेनस, मून, और इधर जो बचा ये वाला एरिया बॉटम में, इसको हम लोग केतु केतु का एरिया कहते हैं। तो ये था बेसिक, इस पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा एरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस पर्वत के रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम लोग जब इसको एनालाइज करते हैं, किसी हाथ को पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कौन सा पर्वत हमारा ऊंचा है। तो जो पर्वत ऊंचा है तो उसकी हमें एनर्जी अच्छी मिलती है उस पर्वत से, और हमारा वो पर्वत हमको अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छे परिणाम देता है। तो इस तरह से कौन सा ग्रह नीच का है, अगर इसमें तीन स्थितियां होती हैं किसी भी ग्रह की, तो हर एक ग्रह को मैं फिर आगे डिटेल में बताऊंगा और हर एक पर्वत के बारे में मैं बताऊंगा। तो उसमें ये रहता है कि कौन सा पर्वत हमारा उच्च ऊंचा है, तो वो ग्रह उच्च का होगा और उसके हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो समतल है तो हमारा एक बराबर का न्यूट्रल, ना तो ज़्यादा अच्छा होगा ना तो ज़्यादा बुरा होगा, न्यूट्रल रिजल्ट देगा, सम रिजल्ट देगा, न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते, सम रिजल्ट देगा। और अगर नीच का है, जैसे कोई ग्रह हमारा पर्वत नीच का है, तो उसके परिणाम हमारे नीच के होंगे, निम्न। उसमें हमें हमें उस ग्रह से रिलेटेड जो उस पर्वत से जो रिलेटेड जो एनर्जी है वो हमको कम मिलेगी और वो हमारा नीच का होगा। जी तो इसके रेमेडीज भी हैं, उसको इसको हम अपने जो जिस ग्रह की या जिस पर माउंट पे हमारे हमारी एनर्जी कम चैनलाइज हो रही है, तो जो हम लोग हैं उनको हम चैनलाइज करने के उपाय बताते हैं, रेमेडीज हैं, और उनको ठीक किया जा सकता है। अगर हमारा निम्न का चैनल है तो उसको हम समतल कर सकते हैं, और वो और आगे उपाय करके हम उनको उच्च का बना सकते हैं। जी जैसे मैंने देखा है कई हाथ मैंने पढ़े, तो उनको उनका सूर्य नीच का है, वो बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, या वो सफल नहीं हो रहे हैं कहीं, अपने हर तरह से वो कर्म करते हैं, पूरे कर्म अपने पूरी सतर्कता से, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर करते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं होते हैं। उनको लगता है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहे, कमी मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है या मैं परेशान हूँ। आप ये बताइए कि हर पर्वत जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो हमारे लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने सूर्य के बारे में बताया कि ये सफलता या फिर जॉब से रिलेटेड चीज़ बताती है, तो वैसे अलग अलग जो पर्वत हैं उनका क्या महत्व है? हाँ, जैसे गुरु पर्वत है, अगर वो समतल होगा तो व्यक्ति
उसका उसका ज़्यादा वो आस्तिक होगा, पूजा में मन लगेगा, आस्तिक होगा। लेकिन अगर उसका निम्न है, गुरु पर्वत अगर उसका निम्न है, नीच का है और गहरा डाउन। है, डाउन है, तो वो नास्तिक होगा। उसका मन नहीं लगेगा भगवत भजन में या पूजा भक्ति में, मेडिटेशन में, ध्यान में, मंदिर जाने में, सब चीज़ में वो कतराएगा। और यही अगर उच्च का है, समतल है, तो वो चीज़ों को ठीक अपने मन से नहीं करेगा, लेकिन किसी के कहने पर वो जाएगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा, उदासीन नहीं होगा। लेकिन अगर उसका उच्च का है, ये पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है अगर बृहस्पति पर्वत, तो भक्ति भावना उसके अंदर ज़्यादा होगी, ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिकता, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। शनि का जो पर्वत है, तो इसमें आपका धन धान्य होगा, भोग भाग्य होगा, ये सारी अच्छा, चीज़ें आपकी, इससे आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता कह सकते हैं। ये वैसे तो सूर्य नेतृत्व का गुण देता है, लेकिन इसमें धन धान्य, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और सूर्य पर्वत है जो, तो उसमें नेत्र, अगर ये उभरा हुआ है, इसके भी तीन परिणाम हैं। अगर डाउन है तो आपको कम मेहनत करेंगे, आपको उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, मेहनत करने के जी बावजूद भी आपकी सफलता नहीं मिलेगी। जी और मध्यम है, अगर समतल है तो ठीक ठाक ही रहेगा। अगर उच्च का है तो फिर आपको कम मेहनत कर रहे हैं या उतना कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। और इसी तरह से अगर हमारा बुध पर्वत समतल है तो उसके परिणाम आप सामान्य होंगे। अगर डाउन है, निम्न का है, तो इसमें वाणी वाणी की में तार्किकता नहीं होगी, आपकी जो बातचीत है वो जी उसमें आपका प्रभावी नहीं होगा व्यक्तित्व, तो बातचीत का जो वाणी है, वाक सिद्धि है, वाक शुद्धि है, तो वो नहीं होगी। और इसमें अगर ये पर्वत आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है, अच्छा उभार लिया हुआ है, तो वाणी सिद्धि होगी, और वाणी शुद्धि होगी, पहले वाणी शुद्धि, फिर वाणी सिद्ध होती है, और जी वाक्पटुता, ये सारे गुण होंगे। आप तार्किक बात करेंगे, आप कहीं भी बात करेंगे, आपकी बात में वजन होगा, आपसे बड़े जो आपसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं वो भी आपसे सलाह लेंगे। तो मैं इसको फिर डिटेल में बताऊंगा, इसके किस तरह से परिणाम होते हैं। जी और इसी तरह से मैंने बताया था कि शुक्र पर्वत होता है, तो इसमें आपका वैवाहिक जीवन देखते हैं हम लोग, कैसा है, कैसा जी रहेगा आपका जी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन, जी और सुख समृद्धि, धन धान्य, भोग भाग्य, और ये सारी चीज़ें इससे शुक्र पर्वत से। चंद्र पर्वत में आपका कलात्मक पक्ष जो होता है, आप कला प्रेमी जी होंगे, अगर ये उभरा हुआ है तो कला प्रेमी होंगे, आप क्रिएटिव होंगे। और अगर ये निम्न का है तो आप का मन नहीं लगेगा, और इसमें भी कई चीज़ें होती हैं, मैं डिटेल में जब बताऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा जी 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 कि लोग नशे नशे से नशे के क्षेत्र में कैसे आते हैं, नशा क्यों करने लगते हैं, क्या परिणाम होता है चंद्र उनका। और राहु और मंगल। मंगल क्षेत्र बताया था, एक मंगल वन है, मास वन, तो इसमें इसमें लाइंस भी होती है, मैं लाइंस के बारे में भी बताऊंगा आगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस होती है। ये हमारे जो मंगल टू है, ये हमारा हमारे अंदर खेल कूद की भावना, जिसे सैन्य, जो मैंने इसमें देखा है कि जो इसमें वर्टिकल लाइंस हैं तो वो सैनिक सैन्य क्षेत्रों में जाएंगे या सर्कस क्षेत्र में जाएंगे, या उनको एक एडवेंचरस चीज़ें पसंद होंगी। और मंगलवन ये हमारा न्याय का क्षेत्र है, न्यायिक पक्ष होता है, तो इसमें अगर वर्टिकल लाइंस है तो वो किसी ना किसी तरह से वो अपना केस, अगर न्यायालय में कोई केस पेंडिंग है या कुछ चल रहा है, तो इसमें दो तरह की लाइंस होती हैं, एक विजय रेखा है, मैंने उसमें रेखाओं के बारे में जब बताया था तो मैंने विजय रेखा और शत्रु रेखा, मैंने दो लाइंस बताई थी। तो विजय रेखाएं जो होती हैं मंगल वन में, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको विजय रेखा कहते हैं, विक्ट्री लाइंस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसमें, इस तरह से, तो वो हमारी शत्रु रेखा कहते हैं उनको। जी तो ये रेखाएं होती है, मैं इसमें फिर डिटेल में जब मैं पर्वतों को डिटेल में बताऊंगा तो फिर मैं उसमें विवरण करूंगा कि ये किस तरह से चलते जी हैं। और ये एक, लेकिन मैंने इसको देखा है कि एग्जैक्ट ये फलित होते हैं, और ये सारी चीज़ें, अगर उच्च का है आपका कोई ग्रह पर्वत, कोई उच्च का है तो वो अच्छे फल देगा, और निम्न का है तो वो बुरे रिजल्ट देगा, निगेटिव रिजल्ट देगा। राहु और ये केतु, ये क्या हाँ करता है? हाँ राहु क्षेत्र जो होता है ये हमारा, इसमें कि इसका राहु के लिए, इसमें आपके पास कैसा पैसा किस तरह से आ रहा है, या आपका रोग दोष है वो राहु क्षेत्र से देखते हैं, और आपका अच्छा भवन निर्माण है, या ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इस क्षेत्र में देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब अच्छा मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं एक एक ग्रह का पूरा विवरण करूंगा कि ये लाइंस, इसमें लाइंस भी होती हैं हर एक ग्रह में, हर एक पर्वत पर लाइंस होती हैं, तो वो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कह रही हैं, किस, जैसे कोई लाइन है तो अगर शुक्र ग्रह से, चंद्र स्थान से कोई
लाइन हमारी आधा चंद्र क्षेत्र पार कर रही है तो वो हमारा विदेश योग बनता है, और कुछ छोटी छोटी लाइन से तो हमारा यात्रा योग बनते हैं, तो ट्रेवल्स लाइन्स होती है। तो ये सारे हर एक ग्रह के बारे में जब एक एक ग्रह को मैं डिटेल में बताऊंगा तो उसमें मैं राहु का क्या स्थान है और क्या क्या उनका का पर्वत का क्या विवेचन करने पर क्या निर्णय उसका परिणाम होता है। और एक ग्रह छूट गया है, मैं केतु के बारे में बताऊंगा। केतु हमारा अंतिम समय, हमारा अंतिम प्रयाण अवस्था हमारी कैसी होगी, हमारा जो मृत्यु है, जो अंतिम अवस्था है, वो हमारी कैसी होगी। तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन हर प्लैनेट्स का, और अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे पामिस्ट्री के बारे में, जी सर, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक पर्वत, एक एक लाइन, एक एक शेप सबके ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सर, ठीक है? थैंक यू, जी श्योर श्योर सर, नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये था एनालिसिस माउंट के ऊपर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए मेरा वेबसाइट www.astrobasic.com, इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे अपना आप क्वेरी लिख सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और पामिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मेरे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे जा करके भी कंसल्टिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मैंने बनाया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके थ्रू आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और इस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में आप खुद अपने आप अपना करियर, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, फिनांस, ये सारा चीज़ खुद आप एनालाइज कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और मेरा फेसबुक पेज लाइक भी करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं मैं वहाँ पे देता हूँ। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ये जीवन रेखा होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे चलते हैं, एक नीचे का एक एक और एक मिनट।